हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रेजर। आज हम बनाएंगे एनर्जी और न्यूट्रिशन से भरपूर सीताफल शेक। पीने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, और आप इसे घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताफल शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पका हुआ बड़े साइज का सीताफल लिया है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी शेक बनाने के लिए सीताफल लें तो पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। और अब हम एक चम्मच की हेल्प से पल्प को स्कूप आउट कर लेंगे और सारे पल्प को हम एक चलनी में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स, सीताफल की न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। इसमें विटामिन ए और विटामिन B6 काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और साथ ही ये हाई BP को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। और अब हम एक फॉक की हेल्प से इसे छान लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट में ही बीज जो हैं वो पल्प से अलग हो जाते हैं, और जो बीज अलग हो गए हैं उन्हें हम चलनी में से निकाल देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे बीज को पल्प में से अलग कर लिया है, और अब हम इसमें से थोड़ा सा पल्प निकाल कर अलग रख देंगे, जिसे हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। और ये जो बचा हुआ पल्प है इसे भी हम बॉल में मिक्स कर लेते हैं। और अगर हम इसे कप से नापते हैं तो ये करीब आधा कप है। और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और हमने जो पल्प निकाला था उसे हम जार में डाल लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 250 ml चिल्ड मिल्क लिया है। इसमें से हम थोड़ा दूध इसमें डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि सारा दूध एक साथ ना डालें, पहले हम थोड़ा दूध डालकर ही इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया। और अब हम इसमें बचा हुआ दूध भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम। और इन सबको एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमारा टेस्टी, डिलीशियस और थिक सीताफल शेक बनकर तैयार है। और अब हम इसे सर्विंग ग्लास में पोर करेंगे। सीताफल पल्प और बादाम पिस्ता से गार्निश करके हम इसे सर्व करेंगे। इसी तरह से आप भी ये मजेदार और टेस्टी सीताफल शेक अपने घर पर ही झटपट से और बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें।